अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड ट्राइफल, जिसके लिए मैं ले ली हूँ 1/4 कप के बराबर ये मैं ठंडा दूध ली हूँ। और अब मैं इसके अंदर कस्टर्ड डाल देती हूँ। फाइव टेबल स्पून इसके अंदर मैं कस्टर्ड डाल दी हूँ और अब इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। इसके अंदर एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए, ये मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मैं 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले ली हूँ। दूध बॉयल हो गया है, और अब मैं इसके अंदर 1/4 कप के बराबर चीनी डाल देती हूँ। चीनी अच्छे से घुल गया है और अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड डाल देती हूँ और चलाती रहे कंटिन्यू। इसे कंटिन्यू चलाती रहे वरना ये नीचे बैठ जाएगा। और गैस का फ्लेम स्लो ही रखें। इसे स्लो फ्लेम पर लगभग 2 से 3 मिनट तक पका लें ताकि ये कस्टर्ड का जो भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये अच्छे से पक गया है और अब मैं गैस को फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे मैं ठंडा करके और फ्रीज में डाल दूँगी। अब मैं ट्राइफल रेडी कर लेती हूँ, जिसके लिए ये मैं फ्रूट केक ली हूँ और ये बनाना ली हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई सा भी फल ले सकते हैं या फिर मिक्स करके भी ले सकते हैं। ये मैं जेली ली हूँ, 1 कप पानी ली और जब पानी में बॉयल आ गया फिर मैं जेली प्रीमिक्स जो था वो मैं डाल दी। जब वो मेल्ट हो गया तो मैं इसे सेट होने डाल दी। तो इस तरह से मैं जेली बना ली और ये कस्टर्ड जो मैं आप लोगों के सामने बनाई थी और ये 1/4 कप के बराबर ये मैं क्रीम ली हूँ, जिसको मैं इस फ्रूट के अंदर मिक्स कर देती हूँ। अब मैं एक बाउल ले लेती हूँ, इसके अंदर सबसे पहले मैं ये केक की लेयर बिछा देती हूँ। इसके बाद मैं ये कस्टर्ड डाल देती हूँ। उसके बाद ये मैं फ्रूट डाल देती हूँ। उसके बाद ये मैं जेली डाल देती हूँ। फिर मैं एक केक की लेयर डालती हूँ। कस्टर्ड ये फ्रूट। आपको इंग्रेडिएंट्स की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसलिए डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लें। फिर से ये मैं Thank you.
ये मैं डेकोरेट कर देती हूँ। ट्राइफल अब रेडी हो गया है और अब मैं इसे फ्रिज में डाल देती हूँ। अगर आपको ये मेरी ट्राइफल की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।